सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाने के कुछ महीने बाद अब विपक्ष ने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने महाभियोग के मसौदे पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक इस मसौदे पर कांग्रेस के अलावा आरजेडी, डीएमके और वाम दलों के करीब 15 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की है। मसौदे में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर अपने प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि दीपक मिश्रा ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की सुनवाई खास जजों को सौंपी है ताकि मन मुताबिक फैसला पाया जा सके। हालांकि कांग्रेस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। हस्ताक्षर चल रहा है, जब ही हस्ताक्षर पूरे हो जाएंगे मेरा ख्याल है 50 से ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। और महाभियोग लाया कैसे जा सकता है वो भी जरा समझिए। किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कम 100 सदस्यों के प्रस्ताव के समर्थन में दस्तखत के रूप में ये होना चाहिए। तो लोकसभा में 100 सांसदों के दस्तखत जरूरी है, राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी है। क्या प्रक्रिया है महाभियोग की वो हम आपको बता रहे हैं।